gonna do have 3+ nights, whether you're running a 5 crore company or a 1,000 crore company. So if running a business is anyway hard, might as well dream really big and like, you know, solve large problems. L'Oreal Paris, Lakme, Maybelline और भी पता नहीं कितने सारे जाइंट ब्रांड्स ने सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड वाइड अपनी प्योर मोनोपोली जिसे हम कहते हैं बनाकर रखी थी और वो भी कई सालों से। इन कुछ गिने चुने 5-10 ब्रांड्स के अलावा कस्टमर हर एक अदर कंपनी के प्रोडक्ट्स को लोकल और थर्ड क्लास क्वालिटी का मानता था। कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में एंट्री बैरियर आज भी बहुत टफ है और 2012 में जब विनीता सिंह ने और कौशिक मुखर्जी ने शुगर को स्टार्ट करा था तब भी था। आप तो ये मान लो ये इंडस्ट्री एक कमरा है जिसके अंदर ये सभी बिग प्लेयर्स बैठे थे और कमरे का दरवाजा टाइट लॉक था और शुगर कॉस्मेटिक्स ने पता नहीं कैसे उस दरवाजे को खोलकर अंदर जाकर अपनी जगह बनाकर बैठकर वापस उस डोर को लॉक भी कर दिया। कहने का मतलब शुगर कॉस्मेटिक्स ने इतने डेंसली कम्पिटिटिव मार्केट में एंट्री कैसे ली। चलो थोड़ा डीप जाते हैं और इस फिनोमिना को समझते हैं। देखो पहले होता क्या था, ई कॉमर्स ना होने के कारण और D2C डायरेक्ट टू कंज्यूमर ना होने के कारण इन सभी कॉस्मेटिक ब्रांड्स के लिए ग्रो करने का जो ओनली पॉसिबल रास्ता था वो था थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, जहां पहले फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनेगा, फिर वहां से वो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर वहां से होलसेलर के पास, फिर वहां से रिटेलर के पास और फिर उसके बाद एंड में जाकर प्रोडक्ट कस्टमर को मिलेगा। इस मॉडल में बहुत ज्यादा इनिशियल कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है और भगवान ना करे अगर आप सस्टेन नहीं कर पाए तो लॉसेस भी ह्यूज होते हैं। कुल मिला के ये सारे फैक्टर्स मिलके इस इंडस्ट्री में दूसरे प्लेयर की एंट्री को बैरिकेड करते हैं एंड थैंक्स टू ई कॉमर्स D2C का जन्म हुआ। ई कॉमर्स ने आते ही इस पूरी प्रोसेस को सिंप्लीफाइड कर दिया, जहां अगर आप अपनी खुद की वेबसाइट पर सेल कर रहे हो तो डायरेक्टली कस्टमर्स को आप सेल कर सकते हो, या फिर अगर आप फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर सेल कर रहे हो तो मैक्स टू मैक्स एग्रीगेटर फीस लगती है। और जैसे जैसे ई कॉमर्स स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है इंटेंस कैपिटल इन्वेस्टमेंट हायर रिस्क एक्सेट्रा जैसे एंट्री बैरियर्स फेड आउट होते जा रहे हैं एंड थैंक्स टू इंटरनेट टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग सोर्सेस लाइक टीवी एड्स न्यूज़पेपर एड्स एक्सेट्रा की भी इफेक्टिवनेस कम होते चली जा रही है सोशल मीडिया मार्केटिंग के सामने और या फिर मैं कहूँ इंटरनेट मार्केटिंग के सामने। और इन सभी फेवरेबल चेंजेस की वजह से अराउंड 2010 से 2015 के आसपास शुगर, नाइका, वाउ स्किन साइंस, मामा अर्थ की तो केस स्टडी भी हमने बनाई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड हाँ, एक जेंटल रिमाइंडर, सब्सक्राइब कर लो, मैं एंटरप्रेन्योरशिप के अराउंड कंटेंट बनाता हूँ, यू विल लाइक इट। हाँ तो मैं ये कह रहा था इन सभी फेवरेबल कंडीशंस के कारण ऐसे सभी ब्रांड्स भी आने लगे जिनका प्राइमरी फोकस डायरेक्ट टू कंज्यूमर पर होता है। और इसी मौके का फायदा उठाने ब्यूटी इंडस्ट्री के लिए अपने पैशन और ऑब्सेशन को लेकर विनीता सिंह अपने उस टाइम के IIM अहमदाबाद के फ्रेंड जो कि आगे चलकर इनके हस्बैंड बन गए कौशिक मुखर्जी के साथ शुरुआत करी शुगर कॉस्मेटिक्स की। अब थोड़ी बात करते हैं शुगर की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की, जिसे मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। नंबर 1, फोकस ऑन सोशल मीडिया मार्केटिंग। इन दिनों तो शुगर के टीवी एड्स भी आ रहे हैं क्योंकि शुगर अब एक बड़ा ब्रांड बन चुका है, मगर शुगर का स्टार्टिंग का अट्रैक्शन और आज का भी अट्रैक्शन सोशल मीडिया है। शुगर ने अपनी इनिशियल सक्सेस ओनली एंड ओनली सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करके अचीव करी है। पॉइंट नंबर 2, बिल्डिंग ए कम्युनिटी। आप अगर शुगर के सोशल मीडिया अकाउंट्स को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मोर देन प्रोडक्ट मार्केटिंग वहाँ पे आपको एक ब्यूटी ऑब्सेस्ड लेडीज की कम्युनिटी दिखेगी और यही कारण है शुगर के कस्टमर्स बहुत ही लॉयल होते हैं। शुगर के फाउंडर्स का भी यही कहना है कि मोर देन एडवर्टाइजिंग आवर प्रोडक्ट, हम सोशल मीडिया को लोगों को ब्यूटी के बारे में एडुकेट करने के लिए यूज में लेते हैं और इसी की वजह से हमारी मार्केटिंग भी ऑटोमेटिकली साथ साथ हो ही जाती है। एंड पॉइंट नंबर 2 ब्रिंग्स अस टू पॉइंट नंबर 3, दैट इज कॉमन अपील टू द कस्टमर्स। एक चीज और आप नोटिस करोगे शुगर के सोशल मीडिया पे कि वहाँ पे आपको एक बड़े सोशल मीडिया आइकन की जगह 10 छोटे ग्रोइंग फेज वाले क्रिएटर्स मिलेंगे, क्योंकि शुगर कॉस्मेटिक्स के अंदर के डेडिकेटेड सोशल मीडिया मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ये मानना है कि जो फॉलोअर्स की लॉयल्टी आपको बड़े इन्फ्लुएंसर्स के 100K फॉलोअर्स में मिलेगी, वही सेम लॉयल्टी आपको 10 स्मॉल इन्फ्लुएंसर्स के 10,000 ईच फॉलोअर्स में भी मिलेगी। एंड इन एडिशन टू दैट, कस्टमर छोटे इन्फ्लुएंसर्स से ज्यादा पर्सनली कनेक्ट भी करते हैं। जैसा कि हम सबको पता है शुगर कॉस्मेटिक्स की फाउंडर विनीता सिंह है जो कि शार्क टैंक इंडिया सीजन 1 में एक शार्क थी। ये तो हो गई शुगर कॉस्मेटिक्स की केस स्टडी। शार्क टैंक इंडिया के बाकी सारे शार्क्स के स्टार्टअप्स की केस स्टडीज आप ये जो प्लेलिस्ट आ रही है ना स्क्रीन पे, हाँ यही वाली, इस पे क्लिक करके देखोगे।